प्रदेश सहित जिला ऊना में भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2017 की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है, जिसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सोलन भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा मंडल की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष केएल ठाकुर ने की। इस बैठक में सोलन जिला के चुनाव प्रभारी एवं पर्यवेक्षक ब्रजेश सिंह रमन भी मौजूद रहे। बैठक में चुनावों में एकजुट होकर पार्टी को विजय दिलाने के लिए चर्चा की गई और आगामी 22 सितंबर को कांगड़ा में होने वाली युवा हुंकार रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा युवा मोर्चा के युवाओं तथा पार्टी के लोगों को कांगड़ा रैली में भाग लेने हेतु व्यवस्था पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस रैली में जिला सोलन से 5000 भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में समस्त पांचों मंडलों में भाजपा की चुनावी गतिविधियों तथा पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा आगामी चुनाव के दृष्टिगत रणनीति तय की गई। उन्होंने बताया कि कांगड़ा में होने वाली युवा हुंकार रैली के मद्देनजर सोलन से जाने वाले युवाओं व कार्यकर्ताओं के लिए किए गए प्रबंध को लेकर भी समीक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है और उसी के निमित्त जो है आज जिला भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें कुछ रूपरेखा जो है वो आज तैयार की गई है, खास करके जो अभी 22 तारीख को यानी 22 सितंबर को युवा हुंकार रैली कांगड़ा में जिसका आयोजन किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी जिसको संबोधित करेंगे, तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ है और कितने यहां से हमारे युवा साथी सारे जिला से जाने वाले हैं इसके ऊपर चर्चा की गई। हुंकार रैली के पश्चात हिमाचल प्रदेश में युवाओं में आने वाले चुनाव में जो अभी थोड़ी दिन में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से जो है युवा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है जीत ही नहीं परंतु एक ऐतिहासिक जीत जो है वो उसकी ओर आगे बढ़ाएगी।